अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, और यहां तक है, अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक लोटा पानी, पांच बेलपत्र, एक शमी पत्र, पांच बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। सात तने अक्षत के आखे अक्षत से डाल लीजिए और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर दो मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करिए। शिव महापुराण कति है, अगर आपने दो या तीन या चार प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा। पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है, सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर सात बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, इस सावन की बात कर रहा हूँ, या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर सात बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में सात बार तो जल, पांच बार दूध गौ माता का और दो बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को, सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है जिस समय